नमस्कार है दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर विला पे। अभी मैं जस्ट ऑफिस से आया हूँ, क्वेश्चन अरेंज किया हूँ, आज के शिफ्ट में पूछा गया और अपलोड कर रहा हूँ। नंबर सीरीज का क्वेश्चन मुझे मिला है, रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा गया है किसी शिफ्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चार ही क्वेश्चन मुझे मिला है, चलिए सबसे आसान तरीक़े से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4, 6, 12, 30, 90, 305। देखिए, सबसे पहले सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप जान ही रहे हैं कि डिफरेंस निकालना रहता है। तो देखिए, 4 और 6 का डिफरेंस कितना है, 2। 6, 12 का डिफरेंस कितना है, 6। 12, 18 का डिफरेंस कितना है, 12, 30 का डिफरेंस कितना है, 18। 30, 90 का कितना है, 30। ठीक है, तो इससे क्या दिख रहा है, 2, 6। मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा जो कोई टीचर नहीं बताता है, एग्ज़ाम में गलती हो भी सकती है, धरफरी में रहते हैं स्टूडेंट। देखिए, यहाँ पे गुना तीन दिख रहा है ना, तो आदमी सोचेगा यहाँ भी गुना तीन होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 54 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 84 होगा तो इसका डिफरेंस कितना का हो जाएगा, +16 करेंगे तो 100 हो जाएगा, 205 + 16 = 221। अगर यहाँ 54 है तो इसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, × 3 का डिफरेंस होना चाहिए 90 और 221 का डिफरेंस है तो 54 × 3 होना चाहिए, तो 54 × 3 कितना होता है, 4, 3, 12, 5, 15, 116, 162, लेकिन डिफरेंस कितना का है, 221 का है, इसलिए ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा। चलिए दूसरे लॉजिक पे चलते हैं गाइज। गैप है कितना, 2, 6, 18। अब मल्टीप्लिकेशन में देखिए, मल्टीप्लिकेशन में क्या दिख रहा है गाइज, 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। देखिए पैटर्न मिल गया है, मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2.5, यहाँ मल्टीप्लाई 3 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 3 है भी, यहाँ मल्टीप्लाई कितना होगा, 3.5 से मल्टीप्लाई होगा, 90 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा गाइस, 9 × 35, 39 × 270 एंड 9 × 5 = 45, यानी 315। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा गाइस, यहाँ पे नंबर आएगा 315। तो हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज कौन सा हो जाएगा गाइस, ये रॉन्ग नंबर सीरीज हो जाएगा गाइस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए ये भी सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी बड़ा बड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, 3 का है, ये कितना का है गाइस, 5 का है, लेकिन क्या है गाइस, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये कितना का है गाइस, +8 का है, ये कितना का है गाइस, -16 का है, ये कितना का है गाइस, +32 का है, और ये कितना का है गाइस, -88, 1252, 64 का है। तो दिखने से ही पैटर्न आपको दिख रहा होगा गाइज, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई टू, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 2, तो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, -4, तो -4 होगा तो ये टर्म कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, और ये गैप कितना हो जाएगा, 2 का, तो +2 मैच कर रहा है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा गाइज, 133, ये रॉन्ग है, उसके जगह क्या होगा गाइज, 132। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या सब नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है,
ये देखिए दिखने से लग रहा है ये भी गैप पे ही बनेगा। चलिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 6 का गैप कितने का है गाइस? 4 का, 6 11 का, 5 का, 11 19 का, 8 का, 19 32 का, 13 का, 32 और 50 का, 18 का, 50 और 81 का, 31 का गैप है गाइज। फिर से गैप निकालते हैं गाइज, 1 3 5। देखिए ये ऑड नंबर का गैप दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज? 7 हो जाएगा। 7 होगा तो गाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13 + 7 = 20। तो इनके जगह पे क्या होना चाहिए? 20। 20 होगा तो ये क्या हो जाएगा गाइज? 52। क्या हो जाएगा गाइज? 20 होगा तो ये क्या हो जाएगा गाइज? 52। 52 होगा तो 52 और 81 में कितना का गैप हो जाएगा गाइज? 8 60 21 8 29। 29 हो जाएगा तो 20 और 29 का गैप कितना हो जाएगा गाइज? 9। तो पैटर्न फॉलो कर रहा है, 1 3 5 7 और 9। हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइज? हमारा आंसर हो जाएगा 50। रॉन्ग नंबर होगा, 50 की जगह क्या आंसर हो जाएगा? 52। समझ में आपको आ रही होगी गाइज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखने से ही मैं पकड़ ले रहा हूँ क्वेश्चन को, प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप लोग भी पकड़ लेंगे। देखिए ये गैप कितना का है दोस्तों? -1 का। ये कितना का है? -8 का। ये कितना का है? -27 का। ये कितना का है? -64 का। यहीं से दिख रहा है -1 का क्यू, -2 का क्यू, -3 का क्यू, -4 का क्यू। ये कितना का होना चाहिए? -5 का क्यू। 125 का होना चाहिए माइनस, 125 का माइनस इसमें जाएगा तो कितना होगा गाइस? 7 76। तो हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज कौन सा हो जाएगा गाइस? 778। और उसकी जगह सही है क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? 776। चलिए गाइज आज के वीडियो में इतना ही है, मुझे जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे मैं आपको बताते रहूँगा। चलिए थैंक यू गाइज, अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।